हाय फ्रेंड, मैं अरुण। आज मैं आपको टाटा एरिया का एक नॉइज़ आ रहा है, कुछ अलग ही नॉइज़ आ रहा है। वो हमने फाइंड आउट करने पे मालूम पड़ा हमें कि जो इसका गियर हाउसिंग है उसमें डैमेज हो गया है, आई मीन जो उसका क्लच है वो अंदर से फेलियर हो गया है। सो मैं आपको बताता हूँ क्या करें फ्रेंड्स। ये देखो, इसका जो गियर हाउसिंग यहाँ पे होल हो गया है। होल में समथिंग जो अंदर है वो घस रहा है, उसके साथ जो घसने की वजह से यहाँ सब जो हाउसिंग है इधर होल हो गया है, जिसके कारण एक अलग सा कुछ नॉइस आ रहा है इसमें। तो हमको अभी एक गेयर बॉक्स खोलने के बाद मालूम पड़ेगा कि अंदर क्या रीज़न है जिससे घस रहा हो। हाय फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके टाटा एरिया ये मॉडल, इसके गेयर बॉक्स में बहुत अलग सा एक नॉइज़ आ रहा था। तो हमने सर्विस मैनुअल के हिसाब से इसका गेयर बॉक्स खोल लिया। तो गेयर बॉक्स खोलने के हमको मालूम पड़ा इसका जो क्लच प्लेट है पूरा वर्न आउट हो गया। आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो, इसका क्लच प्लेट पूरा वर्न आउट हो गया। ये टाटा एरिया का ये गियर बॉक्स है, 4x4 गियर बॉक्स है। आप देख सकते हैं जो मैं आपको बोला था नॉइज आ रहा था, उसका क्लच जो अपना ड्यूअल मास फ्लाई व्हील है पूरा वन आउट हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो, इसका मटेरियल पूरा निकला पड़ा है, पूरा ये वन आउट हो गया हुआ है। इसका बैरिंग को भी डैमेज किया हुआ है, इसके हाउसिंग भी डैमेज हो गए। फ्रेंड्स आपने देखा ये कितना डैमेज कर दिया है। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इस बैड कंडीशन में ऐसा गेयरबॉक्स देखा नहीं जो इतना वन आउट हो गया। सो ये बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसा हुआ रहेगा, क्योंकि ड्यूअल मास फ्लाईव्हील में तो प्रॉब्लम आता ही है। तो प्रॉब्लम इतना आ गया कि ये गियर के हाउसिंग को भी होल कर दिया। हाय फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हमने एक नया फ्लाईव्हील लाया, ड्यूअल मास फ्लाईव्हील, और ये हमारा जूना वाला फ्लाईव्हील है। तो अब देख सकते हैं इसका पूरा फ्लाईव्हील के सब प्लेट्स होते जो सब टूट गए थे। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं ड्यूअल मास फ्लाईव्हील कैसा चेक किया जाता है। ये चीज़ को आप नोटिस करो ध्यान से, जब हम इसको खींचते हैं तो फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है। ड्यूअल मास फ्लाईव्हील चेक करने का यही एक ट्रिक होता है कि हम लोग कैसा चेक किया जाता है, क्योंकि जो स्प्रिंग का टेंशन से लो रहता है, तो जो एक इलास्टिक मूवमेंट इसमें हो रहता है जिसकी वजह से वो फिर से अपना पोजीशन में आ जाता है, पूरा इलास्टिक मूवमेंट पे चलता है। सो फ्रेंड्स हमने नया क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील इंस्टॉल कर दिया है। फ्रेंड्स हम लोग ने इसका ड्यूअल मास फ्लाईव्हील नया डाला हुआ, क्लच प्लेट नया, प्रेशर प्लेट नया, सब नया डाला हुआ। सो अभी गाड़ी एकदम साइलेंट हो गया है, कि पहले तो गाड़ी घूम भी नहीं रही थी, शेल्फ भी नहीं ले रही थी। सो अभी सब परफेक्ट है, आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ मैं। सब गियर इजीली जा रहे हैं।
टोटली साइलेंट हो गया है। पहले नॉइज बहुत कर रही थी गाड़ी ऑन और ऑफ करने पे, तो अभी साइलेंट।